घर में सफेद बिल्ली का आना आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, मगर यदि आपके घर में एकदम सफेद बिल्ली आती है तो इसे आप शुभ प्रतीक मान सकती हैं, क्योंकि सफेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है। सफेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती हैं। बिल्लियों से बात करने और उनके साथ खेलने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से जूझ रहे हैं तो बिल्लियों से बेहतर आपका कोई साथी हो ही नहीं सकता। ये बच्चों के लिए स्वास्थ्यप्रद होती हैं। बिल्लियां कम प्रदूषण फैलाती हैं, जिसकी वजह से एलर्जी जैसी समस्याएं नहीं फैलती। ऐसा माना जाता है कि यदि दीपावली की रात को एक बिल्ली घर के अंदर होती है या वह आती है तो यह पूरे साल धन और तरक्की का सूचक होती है। इसके अलावा यदि बिल्ली रात के अंदर घर में रहती है तो उसे भी अच्छा माना जाता है। यदि आपने घर के अंदर बिल्ली पाल रखी है और उसने आपके घर के अंदर बच्चा जन्म दिया है तो यह बहुत ही शुभ कार्य होता है। ऐसा होने से आपके घर के ऊपर संकटों का निवारण होता है और आपके कार्य के अंदर प्रगति होती है, बुरे दोष दूर हो जाते हैं। और जब आपने एक बिल्ली पाल रखी है तो उसके घर में बच्चा देने की संभावना बढ़ जाती है। घर में सफेद बिल्ली का आना आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, मगर यदि आपके घर में एकदम सफेद बिल्ली आती है तो इसे आप शुभ प्रतीक मान सकती हैं, क्योंकि सफेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है। सफेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती हैं। बिल्लियों से बात करने और उनके साथ खेलने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या से जूझ रहे हैं तो बिल्लियों से बेहतर आपका कोई साथी हो ही नहीं सकता। ये बच्चों के लिए स्वास्थ्यप्रद होती हैं। बिल्लियां कम प्रदूषण फैलाती हैं, जिसकी वजह से एलर्जी जैसी समस्याएं नहीं फैलती। ऐसा माना जाता है कि यदि दीपावली की रात को एक बिल्ली घर के अंदर होती है या वह आती है तो यह पूरे साल धन और तरक्की का सूचक होती है। इसके अलावा यदि बिल्ली रात के अंदर घर में रहती है तो उसे भी अच्छा माना जाता है। यदि आपने घर के अंदर बिल्ली पाल रखी है और उसने आपके घर के अंदर बच्चा जन्म दिया है तो यह बहुत ही शुभ कार्य होता है। ऐसा